हेलो फ्रेंड्स, याला नेशनल पार्क साउथ कोस्ट श्रीलंका में स्थित है। मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेस्ट कोस्ट में वेलापट्टू नेशनल पार्क स्थित है। दोनों ही पार्क अपार संपदा, प्राकृतिक संपदा से भरपूर हैं। इस पार्क का पुराना नाम रोहना है, जो इसके जो पुराने किंगडम रोहाना जो यहाँ पर किंगडम थी उसके नाम पर इसका नाम दिया गया। वहाँ पर उस किंगडम के टेम्पल्स, मॉनेस्ट्रीज और सेक्युलर बिल्डिंग के अवशेष आज भी यहाँ पर स्थित हैं, जो अपने आप में एक अनूठा और एक अजूबा लिए हुए हैं। और इस नेशनल पार्क की एक खासियत ये भी है कि ये एक पिलग्रिमेज रास्ता भी था। इसको 1938 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट में। आज ये पार्क अबैंडन पड़ा हुआ है, बिना किसी केयर के पड़ा हुआ है। आज यहाँ एलिफेंट की जगह एलिफेंट ग्रास ने स्थान ले लिया है, जो बहुत दुखद बात है। यहाँ पर इस तरीके की रेयर स्पीशीज़ बहुत सारी मिलती हैं। हेलो फ्रेंड्स, दाचीगम नेशनल पार्क अपने आप में अनूठा पार्क, पहाड़ियों पर स्थित, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर स्थित ये नेशनल पार्क है। श्रीनगर से लेक से 22 किलोमीटर दूर ये स्थित है। 1910 में सेंचुरी बना। इसमें डल लेक का आधा हिस्सा मिलता है, जो सारे क्षेत्र में प्योर वाटर को सप्लाई करता है। अपूर्व प्राकृतिक संपदा और सौंदर्य से भरपूर ये क्षेत्र है। यहाँ पर का पानी भी शुद्ध होता है। ये सारा पानी जाकर मार्शल लेक में मिलता है। 1981 में ये नेशनल पार्क बना। 1910 से 1934 के बीच में 10 विलेज इसके आसपास मिले, इसलिए इसका नाम दाचीगम रखा गया। यहाँ बहुत रेयर स्पीशीज़ मिलती हैं, हागुल, रेड डियर, ब्लैक बुलबुल, लंगूर, ब्लैक बियर, कोकलाज एक्स्ट्रा। यहाँ पर ब्लू मैगपाई मिलती है, जो बहुत कम मिलती है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस क्षेत्र की जो सौंदर्य है वो चित्रों में ही दिखाई दे रहा है। इस सेंचुरी का अनुभव एक रेयर है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स फाउंड ऑन अवर ग्लोब। इट इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। दिस इज डेमोसेली क्रेन्स, गुजरात। गुजरात में मिलता है। ट्रगोपेन हिमालय फीजेंट है, हिमालय में मिलती है। बहुत खूबसूरत पक्षी होता है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। और माइग्रेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं। कॉमन किंग फिशर, इट्स नेम इज़ कॉमन बट इट्स वेरी अनकॉमन नाउ। इट इज़ वेरी अनकॉमन क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता जा रहा है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस और शिकार होने के कारण। गल ओया ये श्रीलंका में पाया जाता है। ये भी इसकी खासियत होती है कि ये अपना जो नेस्ट है वो बहुत अलग टाइप का नेस्ट बनाता है। और ये भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ गया, पर माइग्रेटरी ये 2000 मील तक सफ़र कर सकता है। वैसे जो पक्षी होते हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं गोयना में, मतलब जो बनी हुई खाद होती है उसको करने में। तो एक पूरा पेरू में इसका एक आइलैंड बना हुआ है। फ्रेंड्स, बार्किंग डियर सर्विडी फैमिली में आता है। क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे तो सारे डियर्स सर्विडी फैमिली में आते हैं। इसका साइंटिफिक नेम ऑन्टिकस मोंटेसिक होता है। इसकी जो आवाज़ होती है, जब ये आवाज़ करता है या कॉल करता है, तो इसकी आवाज़ कुत्तों की तरह भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। इसमें कैनाइंस होते हैं, इसको टशेस कहते हैं। कैनाइंस का मतलब इसके जो दांत होते हैं वो बहुत तीखे होते हैं कुत्तों की तरह। एंडलर्स यानी जो इसके सींग होते हैं वो भी डिफेंस और ऑफेंस के लिए होते हैं। ये सॉलिटरी एनिमल होता है, अकेले रहना चाहता है। बहुत शाई होता है, सीक्रेटिव होता है और स्मॉल रेंज में रहता है। इसकी जो अलार्म क्लॉक कॉल है, जो मैंने आपको बताया, वो बार्क ऑफ डॉग है। ऐसा लगता है बिल्कुल कि जैसे एक कुत्ता भौंक रहा है। ये हिमालयंस के फिर और पाइंस ट्री, हिमालयन रेंज में फिर और पाइंस ट्री जहाँ मिलते हैं वहाँ मिलता है। वेस्टर्न घाट में मिलता है, कन्याकुमारी में मिलता है। ये एनिमल बहुत सीक्रेटिव होता है, बहुत घने जंगलों में जाकर अंदर जाकर मिलता है। मणिपुर ग्रो एंटल डियर भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम सर्वस एलडीएलडी है। ये मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। इतना ज़्यादा शिकार हुआ इसका कि एशिया की ये सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ गई है। जितने भी डियर्स हैं वो सर्विडी फैमिली में आते हैं। सेकेंड बारहसिंगा सर्वस डाउसिलिस का साइंटिफिक नेम है। ये भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। कांजीरंगा में मिलता है, पर ये सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ है हंटिंग के कारण। जितना ज़्यादा इसकी संख्या कम होगी, इतनी किसी भी हिरण की स्पीशीज़ की संख्या कम नहीं हुई है। चीतल, इसको स्पॉटेड डियर भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम एक्सिस एक्सिस है। कान्हा नेशनल पार्क में ज़्यादातर मिलता है। वैसे ये बहुत कॉमन हिरण है, सब जगह मिलता है। इसी की फैमिली से आता है पारा होग या हॉग डियर भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम एक्सिस पॉर्निकस है, उसी के जैसा नाम है। ये कांजीरंगा कॉर्बेट दुधवा नेशनल पार्क में मिलता है, पर इसकी भी स्पीशीज़ ये बहुत इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में